विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों इकाइयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उजप्रण लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। दिनांक सितंबर 2, 2024 को उपनिरीक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में ऊनिज विद्यासागर, मुढ़ाड़ घनश्याम राय, मुढ़ाड़ दुर्गेश मणि त्रिपाठी, विमलेश कुमार, आरक्षी अवनीश की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद गोरखपुर में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मुहार सन 662/2023 धारा 3-5-8 गोवध अधिड़ो एवं 11 पशु क्रूरता अधिड़ में वांछित रू 20000/ का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुनैद अहमद भैसौली गायनव के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई। पूछताछ में अभियुक्त जुनैद अहमद ने बताया कि ऊप्राड़ के विभिन्न जनपदों से सस्ते दामों में लगभग 6-10 हजार तक गोवंशी पशुओं को खरीद कर आजमगढ़ दोहरी घाट देवरिया के रास्ते सिवान बिहार निवासी अरमाम उर्फ मुखिया को महंगे दामों में बेच देता है। इस